देश में बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते ट्रैफिक की समस्या की ओर सरकार द्वारा कदम उठाने के बाद उसे अमल में नहीं लाने के कारण ये समस्या और भी बड़ी हो सकती है। इसका उदाहरण इंदौर के ई रिक्शा चालक है, जिसका खामियाजा पर्यावरण, देश और समाज को भुगतना पड़ेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने तरह तरह के कदम उठाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उपयोग में लाने के लिए सरकार ने ई रिक्शा जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा चालकों को रिक्शा पर सब्सिडी देने का फैसला किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन कागजी कार्रवाई और दावों से इतर इंदौर के ई रिक्शा चालकों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल इंदौर के ई रिक्शा चालकों का कहना है कि हमारे लिए उपयुक्त पब्लिक स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, जैसे अटल सिटी बस, मैजिक वैन और आम रिक्शा चालकों के पास है। ई रिक्शा चालकों का अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों पर ये आरोप भी है कि उनसे अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें स्थान से भगा दिया जाता है। ई रिक्शा चालकों की सिर्फ यही मांग है कि उनके लिए एक उपयुक्त पब्लिक स्टैंड बनाया जाए, जहां वे खड़े होकर अपनी सवारी बैठा सके। कलेक्टर महोदय जी से मेरा यही निवेदन है, हम जितने भी ई रिक्शा चालक हैं सबका निवेदन है कलेक्टर महोदय जी से कि अगर अटल बस सेवा यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं 10-10, 15-15 बसें, तो ई रिक्शा के लिए भी 2 लाइन की यहाँ पे ज़रूरत है और कलेक्टर महोदय इसके लिए यहाँ जगह दिलवाएं तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं। अटल बस के जो सुपरवाइज़र हैं या ड्राइवर हैं वो हम लोग को भगा देते हैं, यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी हमको भगा देते हैं। हमको यही समस्या है कि मतलब यहाँ पे जगह हमको थोड़ी मिल जाए, 1-2 लाइन की, ज़्यादा 10-20 गाड़ियाँ यहाँ पे लग सकें। मैं 2 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 2 साल से ही समस्या है। इस मामले पर ई रिक्शा चालकों द्वारा कलेक्टर को आवेदन पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कलेक्टर द्वारा कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है। इस मामले में जब हमने नगर निगम और नगर निगम अधिकारियों से चर्चा की तो उनके द्वारा ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे कि ई रिक्शा चालक संतुष्ट हों। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने ये ज़रूर बताया कि पूरे शहर में ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है उसे रैशनलाइज किया जाएगा, जिससे ई रिक्शा चालकों को फ़ायदा पहुँच सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस व्यवस्था को जमाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि ई रिक्शा चालकों के उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उनके रोज़गार पर सवाल खड़ा हो चुका है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पूरे शहर में कहीं भी उपयुक्त स्टैंड की व्यवस्था नहीं मिली है आज तक, क्योंकि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ई रिक्शा चालकों को, ई वाहनों को काफ़ी प्रमोट किया गया था, लेकिन ज़मीनी हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद देखना होगा कि कितना समय और लगता है ई रिक्शा चालकों की समस्या और सुधरने में। सबसे बड़ा सवाल यहाँ प्रशासन और सरकार पर है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तवज्जो दी और आगे बढ़ावा दिया है, लेकिन जमीन पर उनके दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल देश को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर होना ही पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं वो पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।